Welcome to our YouTube channel Goodwin TS and English Canvanga. We will learn today NCERT solutions, and this solution is based on MCQs from the class 10th book Economics lesson first, and it is very helpful for your board examination and other kinds of one day examinations. So let's begin. Let's start. The first question is, India's SDI rank in the world is, according to the book, this rank goes to the option number C, 126. ठीक है, बुक में जो भारत की SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक दी गई है वह 126 है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मींस, जीवन प्रत्याशा जन्म से लेकर और जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है. ऑप्शन नंबर ए, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, जन्म के समय जो एवरेज जीवन की प्रत्याशा होती है एक व्यक्ति की, उससे संबंधित एवरेज जो उम्र होती है. एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय जो जीवन प्रत्याशा होती है. एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ ए चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सही होगा पहला वाला. ठीक है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट व्हाइल कंपेयरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज. वेरियस कंट्रीज मतलब अलग अलग कंट्रीज में डेवलपमेंट लेवल को कंपेयर करने के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इम्पॉर्टेंट गुड है. पॉपुलेशन, सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल, पॉलिटिकल स्टेटस, पर कैपिटा इनकम. तो जो कंपेयर करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो कंपेयर करने के लिए मुख्य एट्रीब्यूट है वो कौन सा है? सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन Among the following is a development goal for the landless rural laborers. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं, भूमिहीन लोगों के लिए या भूमिहीन कामगारों के लिए, लेबरर्स के लिए, ठीक है, मजदूरों के लिए जो डेवलपमेंट गोल है, विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, उनमें से कौन सा है? टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, टू एजुकेट दियर चिल्ड्रेन, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर बेसिस, टू शिफ्ट द टू द सिटीज. तो उसमें कौन सा आंसर सही होगा? ये होगा मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर बेसिस, मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही है इसका. ठीक है, मतलब उनको अधिक से अधिक दिन के लिए काम पर रखा जाए और बढ़िया जो है उनको मजदूरी दी जाए, वेजेस अच्छी हों. क्वेश्चन नंबर फाइव, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल. अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है जब लोग, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? जब लोग डू नॉट वांट टू वर्क, आर वर्किंग इन ए लेजी मैनर, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क. ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप समझिए कि वो काम करते हुए भी नहीं करते, क्योंकि उनके काम को वहाँ पर जो है आप विजुलाइज नहीं कर सकते हैं. और विजुलाइज कब होगा? जब जब जो है उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, ठीक है, उसका कुछ परिणाम निकले, यानी जो रिजल्ट हो वो कुछ सामने आए. तो उसमें रिजल्ट उनका शून्य के बराबर रहता है, नहीं के बराबर. जैसे मान लीजिए अगर कोई खेत है उसमें चार लोग काम कर रहे हैं पहले से, ठीक है, और चार लोग धान की खेती कर रहे हैं एक खेत में, एक बीघा खेत है, और उसमें 3 क्विंटल धान का उत्पादन हो रहा है. अब चार की जगह अगर 5 लोग इसमें आ गए, एक और शामिल हो गया, ये व्यक्ति और शामिल हो गया, तब भी वो 3 क्विंटल का ही उत्पादन हो पा रहा है उस एक बीघे खेत में. ठीक है, तो चार लोग 3 क्विंटल कर रहे थे, एक और आ गया तो वह अभी वही कर रहा है लेकिन 3 क्विंटल ही. तो जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा लेकिन जो लेबर है वो बढ़ गया. ठीक है, जो लेबर है, लेबर की संख्या वो बढ़ गई, इसी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो
इसमें जो आंसर सही होगा इसका वो आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। ठीक है, मतलब ऐसे लोग ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पे उनको काम करने के लिए कम चांस मिलते हैं, ठीक है, कम अवसर मिल पाते हैं, जबकि वो अगर अवसर मिले तो अच्छा काम कर पाते करें, ठीक है, बढ़िया से काम करें। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ए डेवलपमेंट गोल फॉर लैंड लेस रूरल लेबरर्स। निम्न में से एक, मतलब क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन डिफरेंट है कि इनमें से ऐसे क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, मतलब देहात क्षेत्र से जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन परिश्रमी लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? तो हाई सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, पहली बात ज़मीन ही नहीं है तो वो क्रॉप्स का उत्पादन कैसे करेंगे, तो उनको हाई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, मतलब उत्पादन ही नहीं होगा तो सपोर्ट की बात ही छोड़ दो। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, तो यदि वो खेती करके पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो अपने बच्चों को विदेश कैसे भेज सकते हैं। रेज्ड वेजेस, यानी उनके जो परिश्रम है, मतलब उनके जो उनका जो वेतन मिलता है या आप कह सकते हैं मजदूरी है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो यही ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द बुक ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास, ठीक है, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से आगे है? तो बांग्लादेश नो, श्रीलंका यस, नेपाल नो, भूटान नो। तो इसमें श्रीलंका आंसर सही होगा, श्रीलंका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ए कंट्री इज कंसिडर्ड रिच व्हेन द पर कैपिटा इनकम इज मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार एक देश में, ठीक है, एक देश में जो धनी होगा या एक देश को धनी माना जाएगा जब उसकी पर कैपिटा इनकम निम्नलिखित में से किससे ज़्यादा होगी, यानी कम से कम वो फिगर होना चाहिए 24,000 पर एनम, 24,000 प्रति व्यक्ति आए, ठीक है, वो वार्षिक है, 37,000 पर एनम, 37,000 प्रति व्यक्ति आए वार्षिक, 4,53,000 पर एनम, 4,53,000 प्रति व्यक्ति आए वार्षिक, 5,43,000 पर एनम, 5,43,000 प्रति व्यक्ति आए वार्षिक। तो इसमें सी वाला आंसर सही होगा, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार सी वाला। यदि किसी देश में जो है प्रति व्यक्ति आय वार्षिक जो होगी 4,53,000 से अधिक होगी तभी वो रिच कंट्री के रूप में कंसीडर किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इन इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट लोएस्ट। भारत के किस राज्य में, ठीक है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टैलिटी का मतलब है शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, सबसे कम कहाँ है, केरल में, ठीक है, केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। क्वेश्चन नंबर 10, वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री बाय कैलकुलेटिंग। किसी देश की पर कैपिटा इनकम को हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, तो क्या कैलकुलेट करेंगे, द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन, नो, बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, यस, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, नो, द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, नो, कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, जो नेशनल इनकम है उसको एक देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करके हम पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं, ठीक, वन मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ग्राउंड वाटर ओवर यूज इन इंडिया इज हाउ मच। भारत में जो ग्राउंड वाटर का दोहन हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, ठीक है, भूमिगत जल का जो दोहन हो रहा है भारत में वो कितना है, 1/3 ऑफ द कंट्री, 1/4 ऑफ कंट्री, 1/5 ऑफ कंट्री, 2/5 ऑफ कंट्री, तो आई थिंक इट इज़
one third of the country? Option number A. Okay. Question number two. Question number 12. Sorry. One common development goal among the people is. लोगों का जो है एक कॉमन डेवलपमेंट लक्ष्य क्या होता है, ठीक है, एक जो है कॉमन डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, वो फैमिली फ्रीडम इनकम सिक्योरिटी, परिवार स्वतंत्रता इनकम आय सिक्योरिटी, तो ये कौन सा होगा? इनकम। सब लोग सबसे पहले पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years एंड एवब एज ग्रुप इज टर्म्ड एज प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years, ठीक है, 7 वर्ष की उम्र या उससे अधिक के समूह लोगों का जो शैक्षिक पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लिटरेसी रेट, ठीक है। एजुकेशन इंडेक्स नहीं होगा, मोर्टेलिटी रेट नहीं होगा, रेशियो लिटरेसी रेट होगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी नहीं होगा, लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर 14, पर कैपिटा इनकम इज, प्रति व्यक्ति आय क्या है? इनकम पर पर्सन, इनकम पर फैमिली, इनकम पर अर्निंग पर्सन, इनकम पर मंथ। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो टोटल जो उस देश की एक कंट्री की जो टोटल इनकम होती है उसको उस जनसंख्या के, ठीक है, टोटल जो जनसंख्या है उससे डिवाइड करते हैं, तो उससे पर पर्सन इनकम आ जाएगी। इसमें जो है टोटल जो पॉपुलेशन रहेगी, चाहे वो 0 से लेकर 80-91 वर्ष तक, 100 वर्ष तक के लोग हों, उन सबको काउंट किया जाता है, तो ये पर कैपिटा इनकम इसी तरह से निकाला जाता है, ये पर पर्सन इनकम होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, द कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ 2017 और लेस आर टर्म्ड एज, ठीक, 2017 वर्ष के अनुसार यदि किसी देश की पर कैपिटा इनकम $955 से, यानी $955 से कम है, तो उसको माना जाएगा लो इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज, तो इट इज़ लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज के रूप में कंसीडर किया जाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 16, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेंक्शन सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय, हम जो है जो डिफरेंट सेक्शन है डेवलपमेंट गोल्स के, ठीक है, जो हमारे विकास के लक्ष्य हैं, विकास के लक्ष्य के अलग अलग स्तरों, हम अपने मतलब अपने समाज के अलग अलग स्तरों को समाज के अलग अलग स्तरों के विभिन्न विकास के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे? फोर्स, जबरदस्ती, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, गणतंत्रात्मक राजनीतिक प्रोसेस के द्वारा, वायलेंट एजिटेशन, ठीक है, वायलेंट एजिटेशन यानी हिंसात्मक जो प्रतिरोध होगा, विरोध होगा, उसको करके, टेररिज्म, आतंकवाद फैला के, तो यहाँ पे कौन सा होगा? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस लिटरेसी रेट, निम्नलिखित में से कौन सा लिटरेसी रेट को डिफाइन करता है? तो यहाँ पे डिफिनेशन पूछा जा रहा है, टोटल लिटरेसी रेट, टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, गलत, टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लिटरेट पॉपुलेशन, गलत, प्रपोर्शन ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इन द 18 एंड एबव एज ग्रुप, यही सही है, ठीक है, जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग जो इलिटरेट हैं, इलिटरेट पॉपुलेशन के अंतर्गत आते हैं, जो उनका अनुपात होगा वही हम लिटरेसी रेट के रूप में काउंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेवलपिंग कंट्री का फीचर नहीं है? एग्रीकल्चर इज द मेजर ऑक्यूपेशन, हाई टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मास पॉवर्टी, मास इलिटरेसी, एग्रीकल्चर इज द मेजर ऑक्यूपेशन, यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग कंट्री का नहीं है, तो एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन वहाँ का है, ठीक है, ये फीचर है,
हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यही नहीं है, यही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहाँ पर अगर जो है उच्च टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता, ठीक है, उच्च तकनीकीय विकास होता तो वो डेवलप्ड कंट्री होती, डेवलपिंग कंट्री नहीं होती। तो बी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19, द डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली इज, एक धनी परिवार या संपन्न परिवार में एक लड़की के लिए विकास का लक्ष्य मतलब क्या होता है? टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स, टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, टू गेट बेटर वेजेस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स, यानी अपने भाई की जितने उसको भी स्वतंत्रता मिल पा रहा, यही उसके लिए डेवलपमेंट गोल है। क्वेश्चन नंबर 20, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड आई थिंक यू विल गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस लेक्चर, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विकास का लक्ष्य है? टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, अत्यधिक दिन तक काम करना, टू गेट बेटर वेजेस, गेट बेटर वेजेस मतलब बढ़िया मजदूरी प्राप्त करना, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बढ़िया विद्युत प्राप्त करना, यानी अच्छी मात्रा में विद्युत प्राप्त करना, ऑल ऑफ द अबव। तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी मशीनें किससे चलती हैं? बिजली से। अगर बिजली रहेगी, क्योंकि वो डेज ऑफ वर्क बना लेंगे खुद, ठीक है, गेटर बेटर बेसिस अपने कर्मचारियों को देंगे अपने आप, और ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑप्शन सही होगा। तो दिस इज द लेसन फॉर टुडे, दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे। इफ यू आर नाउ न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स टू गेट मोर एंड प्लेंटी फुल ऑफ नॉलेज। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।